हेलो गाइस, मैं रुखसार सर। बहुत अच्छा, मैं रहमत अल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप हमारी वीडियोस लेकर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो, भारत अपडेट वाली वीडियो। तो यार ये वीडियो चैनल में आए, वीडियो ये अच्छी आ रही इनकी, हो सके तो जाकर सर्च करना, मैं लिंक दे दूँगा सब्सक्राइबर्स की। मैं थोड़े देखें वीडियो इसकी कमाल की, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ अच्छा, आप जाकर ज़रूर सर्च करें। तो चलते हैं वीडियो, यहाँ वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया कराएंगे एज बाइडन वांट्स पाकिस्तान ओवर, मतलब ना वो जो हमास को धमकी लगाई है किसने, बाइडन ने। तो खैर पानी का बहाव हमेशा निचली सतह तलवार की तरफ ही आता है। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मुझे रिएक्शन। बाइडेन ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमास को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी इसराइल को हर तरह की मदद की जाएगी। हमें हमास का खात्मा करना है और हम उसका खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीकी सदर ने गाजा के अस्पताल पर बमबारी पर इसराइल के मौकिफ की तायद कर दी है और गाजा के अस्पताल में बमबारी से 500 अफराद के कत्लेआम का जिम्मा भी फलस्तीनियों पर डाल दिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो अमेरिका है। अमेरिका कह रहा है कि हमने डी एस्केलेशन, सेसेशन ऑफ वायलेंस, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट से ना निकलें। ये एक सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। सो इट मीन्स इसराइल इज एन एब्सोल्यूट सपोर्ट। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो इसराइल लैंड कर चुके हैं। इसराइल का जो सबसे तगड़ा पार्टनर है वो अमेरिका है। अमेरिका इसराइल को पैसे भी देता है, अमेरिका इसराइल को हथियार भी देता है, अमेरिका इसराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी भी लेता है। मास के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितनी हमदर्दी फलस्तीन के साथ है उतनी ही हमदर्दी जो है वो हमास के साथ भी दिखाई जा रही है। जो कुछ हमारे स्कूल कॉलेजेस में, जो कुछ हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, यकीनन ये उसी का रिजल्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वेस्ट की तो एक खुली पॉलिसी है जी, कहते हैं जी वेस्ट मुनाफ़क़त करता है। आप मुझे बताएं इस इशू पे कहाँ पे उन्होंने खोल के एक स्टैंड ले लिया कि जी ये मसला है और हम जो है हमास के खिलाफ हैं और हम इसराइल की हमायत कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। इसराइल और हमास के बीच की जंग उस पॉइंट पर पहुंची है जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन इसराइल पहुंचते हैं। जंग ज्यादा इसराइल में उनकी मुलाकात होती है नेतन्याहू से। कि इसराइल का जो सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे मजबूत दोस्त है, सबसे सॉलिड पार्टनर है, वो इसराइल को ये कहने आ रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। गाजा में शोर तो बहरहाल हमास रन करता है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को इस तरह की सिचुएशन में ना डाले जहां वो इस तरीके की भूख नांग बीमारियों और सफोकेशन में कहूंगा कमांडर मोहम्मद डैफ, उन्होंने अरब लीडर्स को कहा लेबनान, इराक, सीरिया, यमन के कि वो आए और उनकी एक अरब रेजिस्टेंस शुरू करें अगेंस्ट इसराइल। लेकिन जारी बात है कौन जाएगा हमास और कौन करेगा, क्योंकि अमेरिकन्स ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर और सारी मिलिट्री मशीन है, दे आर प्रोवाइडिंग द एंटायर इंटेलिजेंस टू द इसराइलीज। अब जो भी हरकत होगी किसी मुल्क की तरफ से तो द अमेरिकन्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड मिलिटरली टू दैट। और आगे देखा जाए ईरान ने, जारी बात है जो ईरान के लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, उन्होंने कहा है कि जो फलस्तीनियों ने अटैक किया है ये बेसिकली उसको सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा हम फलस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं। जारी बात है ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला को भी सपोर्ट करता है। इंडिया ने जो रिस्पांस दिया है उन्होंने कहा जी हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ये डिफ़िकल्ट मोमेंट है, मोदी साहब ने कहा, और बाद में ये जो कल हमला हुआ हॉस्पिटल पर इस पर भी मोदी साहब ने कहा है जनाब कि ये ऐसे है। कुवैत का भी तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें बेवकूफ़ ना समझा जाए या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए कि अगर हिजबुल्ला इस लड़ाई में दाखिल होता है तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। अब हिजबुल्ला की तरफ से हमले तो हो रहे हैं लेकिन एक बाकायदा जंग की सूरत हाल अगर इख्तियार कर गई कि हिजबुल्ला और इसराइल के बीच भी बाकायदा जंग स्टार्ट हो गई तो फिर अमरीका भी इसमें एंटर हो जाएगा इस जंग में। अभी तक वैसे उन्होंने जो उनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं और उनकी मदद की जा रही है, प्रेसिडेंट खुद भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि अगर प्रैक्टिकली यानी एक जंग की सिचुएशन हो गई हिजबुल्ला और इसराइल के बीच तो फिर अमरीका भी इसमें फरीक के तौर पर शामिल होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर हालात तो बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो इस वक्त दुनिया में हमें जो तकसीम नज़र आ रही है उसमें हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन इसराइल जाते हैं, पाकिस्तान का तो फिर हम वैसे ही जान सकते हैं कि वो किस तरफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी तरफ होने या ना होने से इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान के अपने जो हालात और इश्यूज़ हैं वो बहुत ख़राब हैं और बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है। इसी के बीच इसमें
मोर देन 3,000 3,500 फ़लस्तीनी जो है वो हमारे जा चुके हैं और कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। इसी तरह 1,300 से ज़्यादा जो इसराइली हैं उनकी जानें भी चली गई हैं। इसमें जारी बात है, इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो अमेरिका है। अमेरिका कह रहा है कि हमने डी एस्केलेशन, सेसेशन ऑफ वायलेंस, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट से ना निकलें, ये एक सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। सो इट मींस इसराइल इज एन एब्सोल्यूट सपोर्ट। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो इसराइल लैंड कर चुके हैं, उन्होंने जॉर्डन जाना था लेकिन जो अस्पताल पर हमला हुआ उसकी वजह से सारी की सारी जो अरब वर्ल्ड है वो पीछे हट गई, उन्होंने बाइडेन साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया है। अब जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने एक फुल कंट्रोल है कि उन्होंने जो सीज कर दें, हमास को घेर लें गजा के अंदर, लेकिन जारी बात है क्योंकि वहाँ पे कॉमन फलस्तीनी हैं तो वो सारे उस पर मरेंगे और मर रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्ट के ऊपर बड़ा तेज़ी से प्रेशर जा रहा है। और इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, उन्होंने कहा है कि हमास ने बड़ी बड़ी बुरी, दे मेड अ ग्रेव मिस्टेक और वी विल रिटेलिएट, और ये इसराइल की रियासत के ख़िलाफ़ लॉन्च हुई थी और हम इसका पूरे का पूरा जवाब देंगे। अब हमास के जो मिलिट्री कमांडर हैं मोहम्मद डैफ, उन्होंने अरब लीडर्स को कहा लेबनान, इराक, सीरिया, यमन के कि वो आएँ और उनकी एक अरब रेजिस्टेंस शुरू करें अगेंस्ट इसराइल, लेकिन जारी बात है कौन जाएगा हमास और कौन करेगा, क्योंकि अमेरिकन्स ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर और सारी मिलिट्री मशीन है, दे आर प्रोवाइडिंग द एंटायर इंटेलिजेंस टू द इसराइलीज। अब जो भी हरकत होगी किसी मुल्क की तरफ से तो द अमेरिकन्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड मिलिटरली टू दैट। और आगे देखा जाए, ईरान ने जारी बात है जो ईरान के लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, उन्होंने कहा है कि जो फ़लस्तीनियों ने अटैक किया है ये बेसिकली उसको सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा हम फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं। जारी बात है ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला को भी सपोर्ट करता है, और उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं अनटिल द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन एंड जेरूशलम। दिस इज़ व्हाट द ईरानियन पोजीशन इज़। और ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हमास से की जो लीडरशिप है कतर के अंदर उनसे भी मुलाकात की है, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जारी बात है और सपोर्ट है जो कि उनको, और ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो इस तरह की फुल सपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने कहा है कि ईरान कम्प्लीटली फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है और मदद करेगा। सऊदी अरब को सबसे बड़ा इस पर जो रिस्पांस भी दी और दचका आया कि जो अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन, सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन हो रही थी वो सारी की सारी रिवर्स हो गई, और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो उन्होंने कहा है कि जो हमारे डायलॉग हो रहा था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया, और अभी ये जो हस्पताल पर हमला हुआ है इसका भी बड़ा सख्त उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। टर्किश जो है रिस्पांस वो जारी बात है, उन्होंने भी महमूद अब्बास से बात की और कहा कि हम रजब तैयब उर्दगान ने कि ये बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रेसिडेंट अब्बास हैं वो कहते हैं जी कि एक ही सलूशन ये है कि जो ये जो एस्केलेशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए, इसराइल ऑक्यूपेशन ख़त्म करे और जो है वो जेरूशलम जो है उसको। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। भाई अमेरिका तो फुल सपोर्ट में इसराइल की, भाई हर तरह से इमदाद कर रहा है, पता नहीं इसका सुतेला भाई है या सगा भाई है या बेटा है, क्या रिश्ता है ये समझ मुझे भी नहीं आता। लेकिन बाद इंडियन ने ये कहा था कि उन्होंने कहा था कि भाई जो इसराइली है ना वो बहुत ज्यादा अक्सरियत में ना अमेरिका में, और वहां पे बेनिफिट मिल रहा है इसराइलियों की वजह से, इस वजह से ये इनको सपोर्ट करता है। तो मुझे भी लगता है कोई ऐसा ही चक्कर है, ऐसे ही अंदर का मामला है जो इसकी इतनी सपोर्ट की जाती है, हालांकि अमेरिका जो है अपना मुफाद जो है ना मद्देनजर रख के चलता है। यार इतनी अमेरिका इनका खैर ख्वाह है, इतना बड़ा अमेरिका, इतना बड़ा कैनेडा है, तो वहां पर उनको ले जाओ उनकी कंट्री उनको बना कर, यार इतना बड़ा आपको पता है कैनेडा के ऐसे इलाके यहूदियों को वहां पर इसराइल बना कर दे, अगर हकीकत में इतना इनका खैर ख्वाह है तो अमेरिका के अंदर ना। मैंने आपको अब क्या लगता है इसराइल का पावर क्यों है, उन्होंने मेहनत की है भाई मेरे, उनकी मेन वजह पता क्या, उन्होंने अपना माजी नहीं भूले, माजी नहीं भूले,
मेन उनका ये है कि उन्होंने कहा कि हम किसी मकाम पे पहुंचेंगे तो फिर दुनिया को बताएं ये बात क्या है। उन्होंने अपना जो पास्ट है वो याद रखा, हिटलर वाला दौर उन्होंने याद रखा हुआ भाई। बट ये लेकिन ये भी तो है ना कि उनको अगर अमेरिका ना होता तो इस कंडीशन जिसमें है वो अब ना होते। इनको सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है यूएसए का, पूरे यूरोप का। लेकिन मैं आपकी बात काटना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने इनकी ये जो है ना कि ये अपना माजी नहीं भूले, इसका एक मैंने इनका जो है ना वो क्या बोलते हैं प्ले कार्ड, उस पे लिखा हुआ था खैबर वास दी लास्ट चांस। इस बात से मैंने अंदाजा लगाया कि इनको अपना माजी नहीं भूला, माजी वो हिटलर वाला दौर भी नहीं भूला और इससे पहले जो है ना वो भी नहीं भूले। और जो अपना माजी नहीं ना भूलते वो ऐसे ही मेहनत करते हैं और तरक्की करते हैं, जैसे आज ये इजराइल कर रहा है। इनका मेन मकसद विजन है इनका है भाई, एक विजन लेके चले हुए हैं ये। बिल्कुल इनको पता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बाइडेन साहब कल आए हैं इसराइल में और उन्होंने जैसे सुना इसराइल वालों से कि भाई ये ऐसे ऐसे हमास ने किया है हमला हॉस्पिटल पे, तो वो भी अपना ऐसे सारे जाके कह देते हैं, कह रहे थे कि भाई ये वाकई जो है ना सारा जो छानबीन की गई है। तो उससे अंदाजा यही होता है कि ये हमास वालों ने खुद गिराया, बिल्कुल गिराया है, जानबूझ के गिराया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमास ने ये गिराया, हालांकि हमास वाले कह रहे हैं कि वो इसराइल वालों ने। यार उस कदे की मैं स्पीच सुन रहा था जो बाइडेन की, उस पे गैरत की, उसने कोई सर्च नहीं की, उसने आते बक दिया उसके पास, वो अपने बाप के पास बैठा हुआ था, क्या उसका नाम है नेतन्याहू या वो जो भी उसका नाम है या वो उसके पास वो बैठा हुआ था। स्पीच ये थी, उसके अल्फाज ये थे कि हमें पता है जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ वो आपने नहीं किया, वो हमास ने किया है, बगैर किसी तहकीक के आते ये बड़े बड़े उसने कह दिया। सिर्फ ये इजराइल के पास सबूत है। रहमतुल्ला क्या लगता है कि अमेरिका बाप है या इजराइल बाप है, क्या लगता है यहाँ पे? तो भाई देखें तो अमेरिका अपना इजराइल लग रहा है, क्योंकि इजराइल को वो देखें कि नाराज भी नहीं करना चाहते। बेटा खुद चल के आया, बिल्कुल इस तरह लग रहा है यार। हर लिहाज से और उनका ऐलान करने का अनाउंसमेंट करने की देर थी कि भाई उनके पहले जो आपको लगता नहीं कि दुनिया दो धड़ों में बांट रही है? लगता है क्यों नहीं बाजिया है दो धड़ों में जिस मुझे नहीं लगता भाई और ज्यादा कुछ नहीं मुझे नहीं लगता कि दो धड़ों में बांट चुकी है। इंडिया क्या साइड है? कल भी अकेला था आज भी अकेला। आज ट्वीट फिर आया है मोदी साहब का, आज ट्वीट आया वो मेरे ख्याल गजा के और जो हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल उस पर पीएम मोदी ने उनको कंडोलेंस दिया। नहीं आपको लगता नहीं कि ये डबल स्टैंडर्ड है यार? वो ये मैं बता दूं फर्क समझ रहा है कि मैं यार एक मिनट से मैं समझ रहा हूं एक मिनट यार इस्लाम कर रहे यार मोदी मैं बता दूं बात तो मुझे डबल स्टैंडर्ड आपने कहा मैं वो एक्सप्लेन जो हमास ने अटैक किया वो हमास को समझते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये उन वो मांग कर चलते हैं इंडियन या पीएम मोदी साहब या इंडियन गवर्नमेंट, वो समझते हैं हमास को जिस तरह टीटीपी पाकिस्तान के अंदर है वो एक टेररिस्ट तंजीम समझते हैं। और जो असल फलस्तीन के लोग हैं असल में वो समझते हैं वेस्ट बैंक में है, और वेस्ट बैंक के अंदर जो मतलब ये हुआ या जो गजा के अंदर ये हुआ वो फलस्तीनी आम लोगों के साथ उनकी कंडोलेंसेस हैं, लेकिन जो हमास है वो समझते हैं कि ये आम फिलिस्तीनी को रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए वो उनको कह रहे हैं कि आपके हमारी जो मतलब आज एक बंदे भी सो रहा था उसने अपने जो है ना तजिया का फर्क उसने बोला था कि भाई ये जो ईरान है ना उसने हमास को ये शह दी है कि आप इसराइल पे हमला करें। इसराइल पे उसने हमला कर दिया, हमास ने हमास साइड पे हो गया, ईरान की साइड पे अब देख रहा है एक दो बयान दिए ईरान वालों ने लेकिन हेल्प कोई भी नहीं हुई भाई अभी तक तो ये दोनों जो है ना देख रहे हैं। लेकिन वो कह रहा था कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम सिविलियन का फलस्तीनियों का हो रहा है जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई इस काम से या इस अटैक से लेना देना तक नहीं है। सिर्फ हमास वालों को काम ये था कि उनको शह देना था, उन्होंने हमला कर दिया और हमला करने के बाद वो एक साइड पे बैठ गए। यार मेरी बात सुने,
मैं पहले बात करना चाहता था, आपने बात की कि ना मेरी इतनी उम्र ना मेरा इतना तजुर्बा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ जिस साइड पे अगर दुनिया डिवाइड हो रही है ना दो टुकड़ों में, अगर जिस साइड पे रशिया होगा ना वो उसका पलड़ा उस ग्रुप का भारी होगा। वो कैसे? वो तो खुद अकेला है। कौन? रशिया। तो रशिया और देखने उसके साथ जो दूसरा है क्या उसका नाम है जो यार किंग जो उनका शुमाली नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वो बड़ा सिर पर है, उसने फलस्तीन के हक में बात बयान दिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे बड़ा फर्क क्या यार, लेके चलेगा किधर चलेगा। खैर जी, बात मुझसे ये है कि ये जो है ना बाइडेन साहब को थोड़ा सा ना, और कौन सा साहब सुपर पावर है, इसको थोड़ा समझ के चलना चलना चाहिए। दुनिया को दो ईद वालों को भी सोचना चाहिए, फलस्तीन का भी यार के वो गरीब मुल्क है, हमास ठीक है जो भी है, लेकिन फलस्तीन को जो इतने 500 शहीद हो गया। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह।